मुद्दा बनाने का। अरे भाई ये तो राजनीति मुद्दा क्या बनाएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए, सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी, इनके बारे में जो बयान दिया है जेडीयू वाले, जो नेता जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी ने जो रुख अपना है, इसीलिए उनके साथ जाने का कोशिश किया है। लेकिन तो वो जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अंदर में तृणमूल कांग्रेस के बहुत MP से बहुत लोग दे आर वेरी हैप्पी अबाउट अवर एक्सपल्शन। महिला के विषय नहीं है वो, जो पूछ रहे थे और उनके कॉम्पिटेटर के बारे में पूछ रहे थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे थे, और क्वेश्चन पैसे के लिए कुछ गिफ्ट के लिए पूछा गया, ये तो सिद्ध हो गया है, स्वयं स्वीकारा है। और उन्होंने एफिडेविट में काउंसिलेट के सामने बोला है मैंने एफिडेविट करके दिया हूँ, इससे सबूत के बड़ा सबूत क्या चाहिए। पंडा जी एक सवाल आता है कि क्या ये महुआ मोहित्रा पर जिस तरह से वर्कआउट हुआ, पूरा अपोजिशन देख रहा INDIA गठबंधन, इसके लिए उत्तर ऑलरेडी फ्लोर पर दिया गया है। फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, एक तो 2 बजे हमने चर्चा शुरू की, उससे पहले 12 बजे रिपोर्ट पेश किया गया, और रिपोर्ट पेश करने के बाद तुरंत 2 मिनट में पोर्टल पर, जो अभी पेपरलेस हमने ई विधान पोर्टल के थ्रू पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, ये जो प्रेसिडेंट है 2005 में जब 10 MPO को निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब भी रिपोर्ट उसी दिन पेश किया था, उसी दिन चर्चा हुआ था, वो भी 10 MP के लिए, जहां तो वो एस्ट्रिंज ऑपरेशन था एक्चुअली। उसमें कई लोग पैसा दिया नहीं दिया, उसके लिए उस चर्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इट वॉज एस्ट्रिंज ऑपरेशन, बट वेयर एज इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है। 2005 में 10 MP खड़े हुए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमको भी 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। तब के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने निर्णय दे दिया कि आप तो एक्यूज्ड है, आपको हम इधर बात करने का मौका नहीं देंगे, आप कमिटी के सामने पेश हुए थे, उधर जो आपने विषय रखना था आपने रख दिया है। तो जो भी, और मैं और एक क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी अराउंड 60-65 प्रश्न पूछा है, 4 ही सेक्टर पे पूछा है, एक बार भी अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एक प्रश्न नहीं पूछा है। नॉट इवन वन शी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सब क्या कहलाता है जी, क्या बात कर रहे हो? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया वो दो लाख का स्कार्फ, ये सब उन्होंने स्वीकारा है और कमिटी के सामने में भी उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीए को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे हैं उनको देते हैं आप तो, और बोलते हैं तो मेरा अन्याय हो गया।